मेरे प्यारे दोस्त, पहले के जमाने में ऐसे होता था कि अक्सर जब किसी लड़का और लड़की का शादी हो जाता था तो लोग बिछावन चेक करते थे कि जब पाकिस्तान, हिंदुस्तान या किसी भी प्रकार का युद्ध हुआ है तो खून खराबा हुआ है कि नहीं। हमारी बात अब समझ पा रहे हैं? ये पहले जमाने में होता था। अगर खून खराबा बिछावन पे नहीं दिखा तो समझ जाइए कि मुल्क पहले से ही आजाद है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा बात नहीं है। ये सारी गलत धारणाएं दिमाग में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो सील की बात करते हैं, ठीक है, ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे स्पेशल चाहिए, ऐसा चाहिए जो कभी भी इस्तेमाल ना हुआ हो, ठीक है, सील बरकरार हो, ताकि जब हम सील तोड़े तो एक बेहद मजा आए, एक अद्भुत मजा आए। दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। वो सील जो होता है ना, वो टूटता उठता कुछ नहीं है। जब लड़कियां 12 साल से अधिक उम्र की होती है, जब उनकी जो है पीरियडिक साइकिल शुरू होता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है बहुत सारा साइकिलिंग करती है। आजकल की लड़कियां तो एथलीट भी है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर भी है। अब उनका अगर आप सील देखोगे भाई साहब, तो फिर मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि अधिक जंप करने से, अधिक खेलने से, अधिक कूदने से, ठीक है, ज्यादा हेवी लोड उठाने से, वेट लिफ्टर या किसी भी काम करने के बाद जो है सील में एक पतली सी झिल्ली होती है, वो झिल्ली ऑटोमेटिक टूट जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप ये ना चेक करें, ठीक है। आप पहले कोशिश करें कि आप अपने आप को चेक करें कि हम कितना बचे हुए हैं, ठीक है, तब किसी दूसरे पे ये आलोचना लगाए। डोंट माइंड, मेरे बातों को बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आप खुद सोच के देखिएगा हम जो बता रहे हैं वो कितना बता रहे हैं सही और क्या है। क्योंकि देखिए, ये पुराने जमानों में ये सारे चेक होते थे। और राजा महाराजाओं की बात करें तो राजा महाराजा जो है एक नहीं, लगभग 100-100 रानियां रखते थे, और 100-100 का जो है तोड़ते रहते थे, ठीक है, हजारों हजारों बच्चे होते थे। तो उन समय उनकी बात कुछ और थी, क्योंकि उनको कोई काम धाम नहीं था, बस मदिरा पीना है, कथक कली नाच और मुजरा देखना है, और बाकी जो है रात भर ठोका ठोकिम कराओ और सो जाओ, ठीक है। आज के डेट में अगर राजा वाला फीलिंग्स लाते हैं, राजा वाला अगर दिन जीते हैं, तो हो सकता है कि आप किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि उस समय जो है ना मन मस्तिष्क कंट्रोल में नहीं रहता है, और ना ही हम प्रोटेक्शन लेके चलते हैं। जो आया काम शुरू, और बीमारी लेकर घर चले आए, घर से अपने फैमिली को, फैमिली से फिर धीरे धीरे, अरे काफी फैलता चलता है। इसलिए भाई साहब, बी केयरफुल एंड हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश कीजिए।